नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को भारतीय किसान संघ ने पूरे देश में एक साथ एक दिनी धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की है। साथ ही भारतीय किसान संघ के बैनर तले जमा हुए सैकड़ों किसानों ने अपनी उपज का लाभकारी मूल्य दिलवाने जैसे अनेक मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिविल सेंटर में जमा हुए किसानों ने कहा कि बीते कई वर्षों से वे खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार उनकी उपज का बेहतर मूल्य तय करे जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ मिल सके, लेकिन लगातार प्रयास करने के बावजूद भी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इस वजह से उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी एक दिवसीय प्रदर्शन है, लेकिन आने वाले वक्त में यह एक बड़े आंदोलन का स्वरूप ले लेगा। किसानों ने अपनी मांगों के संबंधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को भी सौंपा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज आपके बीच जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आए अपना उद्घाटन। जोरदार नारे लगाएंगे दोनों हाथ उठाके। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हरे माता की जय, भैया की जय। जो किसान तू रहेगा मोहन, तेरी सुनेगा कौन। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसानी। डिस्टेंस जरूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पूरे समय लगा करके रखना है, हाथ को भी सैनिटाइज कर सकते हैं, व्यवस्थाएं सब हैं। आज का जो ये जबलपुर जिले का जो कार्यक्रम जो हो रहा है वो भारतीय किसान संघ ने जब से इसकी स्थापना हुई है 4 मार्च 1979 तब से हमारे श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि जब तक किसानों को उनकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। पहले ऐसा लग रहा था स्वतंत्रता के पहले कि जो किसानों की समस्याएं हैं वो अंग्रेजी राज की वजह से हैं, यदि हमारे देश में हमारी सरकार स्थापित हो जाएगी तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन 1947 के बाद में कई सरकारें आई, लेकिन उनकी सारी नीतियाँ किसान विरोधी नीतियाँ रही, किसान के लिए, किसान के हितों के लिए कोई नीति नहीं बनी। और जबकि उस समय 90% से ऊपर जो आबादी है वो कृषि आधारित थी, न जाने ये कैसी योजनाएं क्यों बनी, कैसी बनी, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि किसान घाटे में आता गया, कर्ज में डूबता गया और अंत में जाकर ये स्थिति हो गई कि उसकी लागत मूल्य निकलना भी मुश्किल हो गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि लाखों की तादाद में इस देश में किसानों ने आत्महत्याएँ की, लेकिन इसके ऊपर ना तो कोई संसद में चर्चा हुई, ना इसका कोई उपाय ढूंढा गया, आज तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। भारतीय किसान संघ ने यह तय किया है कि अपना किसानों की जो उपज का है वो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए और इस बात को लेकर के पूरे राष्ट्रव्यापी आज जो 8 सितंबर है हर जिले में, प्रत्येक जिले में 550 से ऊपर जिलों में और ये धरना प्रदर्शन रैली और ज्ञापन देने का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। एक दिवसीय धरना यहाँ उसी परिप्रेक्ष्य में और यहाँ जबलपुर में भी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हमने प्रधानमंत्री के नाम से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य उनका कृषि उपज को मिले और ये लेकर के और ये हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम आज ये सम्पन्न हुआ है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।